घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी हम ऑर्गेनाइजर्स खरीदते हैं मार्केट से या फिर घर में कुछ डीआईवाई करके बनाते हैं, वो थोड़ा सा सुंदर बनाइए। इससे आपका घर सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं रहता है, नीट एंड क्लीन ही नहीं रहता है, उसके साथ घर सुंदर भी दिखने लगता है। प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल भी मत खरीदिए, अपने घर को एक नो प्लास्टिक जोन बनाइए। और अगर आपके पास कुछ भी प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर्स है, उसको आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर हम कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाए हैं, और जो बगल में आपको प्लांटर दिख रहा है, ये भी मैंने घर पे बनाया है। ये एक दही का कंटेनर था, जिससे देखिए कितना सुंदर सा एक हमारा प्लांटर बनके रेडी हो गया है। तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे मिला था, जिसके अंदर एक्चुअली मेडिसिन आया था। तो मैंने इसको देखते ही सोचा कि इससे बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र छोटू सा बन सकता है, और इसमें बहुत कुछ हम रख सकते हैं, तो इसको मैं नहीं फेंकी। और देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और लेयरिंग कर देंगे ना, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो साइड का जो पोर्शन है उसको हम कट कर लेंगे, और उसके बाद देखिए बैक वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसके लिए मैंने और कुछ यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है। ये जो कार्डबोर्ड है ये बहुत थिक नहीं है, थोड़ा सा थिन है। बच्चों का जो टॉयज़ का जो बॉक्स आता है ना, उसी को मैंने कट करके रख दिया था, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और इसके साथ हमें चाहिए एक मार्कर पेन, आप कोई भी नॉर्मल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बॉटम पोर्शन का मेज़रमेंट लेंगे और एक कार्डबोर्ड पीस कट करेंगे। और कुछ मैंने पतला वाला जो कार्डबोर्ड था ना, उसको मैंने कट कर लिया है, और इस तरह से देखिए हाफ इंच का डिस्टेंस में मैंने कुछ मार्कर से मार्क कर लिया है। तो इसका लेंथ मैंने इस तरह से लिया है, ताकि एक लेंथ और विड्थ जो है थोड़ा कवर हो जाए। तो इस तरह से हमें दो लेना है पीसेस। और अब हम जो मार्कर से मार्क किए थे ना, देखिए उसको हम कट करके इस तरह से रखे हैं। और अब क्या करना है, इसमें लेयरिंग रहता है, सारे जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना उसमें लेयरिंग रहता है। तो थोड़ा सा जो पतला वाला कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, उसमें आप इस तरह से खोल के देख सकते हैं कि बहुत ही थिन इस तरह का लाइंस आपको दिखेगा। तो हमें ये वाला चाहिए, तो हमें इस तरीके का जो कॉरोगेटेड शीट है उसको चाहिए। तो पतला वाला हमें चाहिए, मोटा वाला नहीं चाहिए। तो अगर आप बहुत थिक कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको मोटा मोटा इस टाइप्स का लाइंस दिखेगा, लेकिन हमें पतला वाला चाहिए। तो यहाँ पे हमने खोल के सब इकट्ठा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बॉक्स का जो साइड का पोर्शन है ना, इसको सारा कट करना है। अब बॉटम पोर्शन को हेवी करने के लिए, थोड़ा सा थिक लुक देने के लिए, हम जो कार्डबोर्ड कट करके रखे थे उसको इंसर्ट कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। नाउ अब हम साइड में ग्लू लगाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप ग्लू लगा दीजिए। मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमने स्ट्रिप कट करके रखे थे, उसको एक एक करके लगा दीजिए। इससे देखिए एक बैम्बू वाला फिनिश आ रहा है। जब इसमें कलर चढ़ जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा, और मतलब देखने से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये हमने घर में बनाया है। जैसे मार्केट का फिनिशिंग होता है, उसी टाइप का फिनिशिंग आएगा। अब बॉक्स में थोड़ा सा रफ सरफेस था, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे कुछ पिन है, और बाहर भी देखिए इस तरह से यहाँ पे सेलो टेप लगा हुआ है, और थोड़ा सा रफ है। तो इसको हम थोड़ा सा स्मूथ फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे। तो बॉक्स में जो भी रफ पोर्शन है, उसको
हम कवर करने के लिए यूज़ करेंगे पेपर। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स का जो बॉटम पोर्शन है उसका मेज़रमेंट लेके और एक कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने कट कर लिया है, और इसको हम देखिए जो ऊपर का जो एक लेयर है ना उसको हम खोल लेंगे। कार्डबोर्ड बॉक्स का जो पेपर है हम उसी को यूज़ करेंगे, कोई भी चार्ट पेपर यूज़ नहीं करेंगे। इससे डिफरेंस पता चल जाएगा और आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी उसका भी फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो हमें धीरे धीरे इस तरीके से खोल लेना है और इसी को यूज़ करना है। अब मिडिल का ये जो कॉरोगेटेड शीट निकल के आया था जिसका देखिए दोनों साइड सेम है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से हाथ से प्रेशर देते हुए थोड़ा सा प्लेन कर लेना है। नाउ इस पेपर को हम मिडिल से कट कर लेंगे और इसका जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा प्लेन किया है तो इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया है। अब हम इस टिप से ऊपर का जो रफ पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ग्लू के मदद से आपको फिक्स करना है इसे। हम प्लेन पेपर से भी इसको कवर कर सकते थे लेकिन उससे फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इससे हम जब कवर करेंगे तो इसका फिनिशिंग एक वुडन स्ट्रक्चर की तरह आएगा। नाउ अब हमें इसे कलर करना है, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ और ये ग्रीन कलर है। तो मैं अंदर का पोर्शन जो है उसको पहले कलर करूँगी और फिर ड्राई होने के बाद मैं बाहर का पोर्शन को भी कम्प्लीटली कलर करूँगी। फिनिशिंग अच्छा आए इसलिए आप दो कोट का यूज़ कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा कलर फिनिश आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कलर जो है ड्राई हो चुका है और मैं यहाँ पे दो कलर कोट का यूज की हूँ। अब हम इसे बहुत ही एक क्लासी एंड रॉयल लुक देंगे, तो इसके लिए मैं गोल्ड एक्रेलिक कलर का यूज करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं मिडिल में एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे मेरा एक लॉकेट का डिस्कार्डेड पार्ट है तो उसको मैं यूज करूंगी। तो ये जो टेराकोटा का कुछ भी अगर आपके पास ऑर्नामेंट्स है जो डिस्कार्डेड है उससे आप इस तरीके का कोई भी एक पीसेस निकाल सकते हैं और इसको आप ग्लू के मदद से फिक्स कर लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी मोल्डेड क्ले यूज़ करके आप डिज़ाइन पैटर्न बना सकते हैं अपने मनपसंद और उसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर सिलिकॉन मोल्ड आता है जिसके अंदर आप हॉट ग्लू गन का यूज़ करके भी इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा से छोटा डिस्कार्डेड चीज़ भी अगर आप संभाल के रखेंगे ना तो कभी ना कभी आपका किसी काम में आ ही जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये लॉकेट भी आज यूज़ हो गया और अब इसमें गोल्डन कलर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक मेटलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, ये गोल्ड कलर है। तो ये जो लॉकेट था ये पहले से एक ब्लैक कलर में था तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली गोल्डन कलर अप्लाई की हूँ, और इसे मुझे ऑलमोस्ट कवर करना था तो इसलिए मैंने कम्प्लीटली गोल्डन कलर किया है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें रेस्टिक लुक चाहिए तो ड्राई ब्रश का यूज़ कीजिए। और देखिए ऊपर वाले जो पोर्शन था उसको भी मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर से इस तरह से टचअप दे दिया है तो बहुत प्यारा लग रहा है। और अब हम फ्रंट पोर्शन को भी थोड़ा सा गोल्डन टचअप देंगे तो इससे देखिए बहुत ही एक क्लासी एंड रॉयल लुक आएगा और आपका ऑर्गेनाइज़र देखने में बिल्कुल मार्केट फिनिश लगेगा। तो देखा आपने एक बेकार कार्डबोर्ड बॉक्स को भी हम कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, घर को और भी सुंदर दिखाने के लिए। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं और एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।